नमस्कार, योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम सूर्य भेदी प्राणायाम सीखेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम नाम से ही स्पष्ट होता है, सूर्य अर्थात गर्मी। तो इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ता है और शरीर में यदि कफ कोल्ड है तो इस प्राणायाम के करने से कुछ ही दिन में आपका कफ और कोल्ड पूरी तरह से दूर हो जाता है। दूसरा, चूंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना के लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। इसे करने से शरीर के अंदर जो तापमान पैदा होता है उससे अनेकों वायरस दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम सूर्यभेदी प्राणायाम देखेंगे किस तरह से करना है। अपना राइट हैंड नोज पर रखें, इंडेक्स और मिडिल फिंगर फोरहेड पर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर, थंब राइट नॉस्ट्रिल पर। सभी को राइट साइड से, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। हर बार आपको यही करना है, राइट से सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। बैकबोन आपकी स्ट्रेट हो, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में हो। बिना ब्रेक के 5 मिनट इस प्राणायाम को आपको करना है। ध्यान रहे, खुली जगह पर करें। यदि आप इसे सुबह सुबह करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। दोपहर के समय जब तेज गर्मी है तब इस प्राणायाम को नहीं करना है। विंटर्स में इसे रोज करें। समर में जब आपको जरूरत लगती है तब इस प्राणायाम का अभ्यास करें। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है केवल वो लोग इस प्राणायाम को ना करें। बच्चे सभी कर सकते हैं। पूरा ध्यान सांस के आने, जो सांस आप ले रहे हैं, जो सांस आप छोड़ रहे हैं, उस पर रखें। पांच मिनट से कम इसे ना करें। आपको यदि इससे लाभ चाहिए है तो कम से कम आपको 5 मिनट इसे करना ही है। राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। हर बार राइट से लेना है,
हर बार लेफ्ट से छोड़ना है। 5 मिनट्स के बाद लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए वापस तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।